नमस्कार, आपका फैसला वेब टीवी में आप सभी का स्वागत। मैं सुदर्शन ठाकुर सोलन से कुछ अपडेट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सोलन पुलिस ने 16.29 ग्राम चिट्टा सहित चार आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अमल में लाई कार्रवाई। कोविड महामारी के इस संकट काल में भी चिट्टा तस्कर आपदा को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन तस्कर गैर कानूनी कार्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में कुल 16.29 ग्राम चिट्टा बरामद कर चार युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। उधर मामले की पुष्टि ASP सोलन अशोक वर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पहले मामले में सोलन पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप नंबर HP 920951 की तलाशी ली। इस गाड़ी में दो युवक संजीव कुमार निवासी कुमारसेन जिला शिमला व अमन निवासी कुमारसेन जिला शिमला के कब्जे से 12.70 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं दूसरे मामले में सदर थाना पुलिस की सबरून चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी HP 956862 की संदेह के आधार पर जब तलाशी ली तो उसमें सवार दो युवक अमोल चौहान व केतन के कब्जे से 3.59 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। ये दोनों आरोपी भी जिला शिमला के कुमार सेन के रहने वाले हैं। पुलिस ने उक्त दोनों ही मामलों में सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सोलन पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर 173 वाहनों के काटे चालान। जिला सोलन पुलिस ने बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर 173 वाहनों के चालान कर 31,600 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की है। उधर ASP सोलन अशोक वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 7 चालान, डेंजरस ड्राइविंग के 3 चालान, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 40 चालान, सीट बेल्ट के 63 चालान, आइडल पार्किंग के 15 तथा अन्य 48 चालान किए हैं। इसी प्रकार अतिरिक्त पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस ने 16 चालान कर 8,000 रुपये और धूम्रपान निषेध अधिनियम में 1 चालान कर 100 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। एक नई अपडेट के साथ शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।